सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी के सेना की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रखा है। दरअसल यहाँ पर -17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इसके अलावा यहाँ अगर कोई सैनिक अपने कैंप को ज्यादा गर्म कर देता है तो ऑक्सीजन की कमी से उसका कैंप भी भस्म हो सकता है। सेना के जवान अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर ग्लेशियर पर 25 से 30 दिन लगातार चलते हैं और इस कड़ी मेहनत के बाद भी इन्हें जमा हुआ अंडा, प्याज और अदरक खाने को ही मिलता है, और ये अंडे को काटकर नहीं बल्कि सीधे हथौड़े से ही तोड़ते हैं। इस वीडियो में सियाचिन ग्लेशियर पर आर्मी कैसे रहती है इसके बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम ही नसीब होता है और शरीर को गर्म रखने के लिए सेना के जवानों को हर रोज चॉकलेट, गुड़ और चिक्की जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। वहाँ पर खाने के लिए सेना को पैक्ड फूड ही मिलता है जिसे गर्म पानी में डालकर ही पकाया जा सके। वहाँ के जवान बर्फ को पिघलाकर ही पानी बनाते हैं। इसके अलावा रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग का, यहाँ पर पोस्टिंग से पहले जवानों को 5 हफ्तों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कश्मीर में पहले कुछ दिन तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि माउंटेन कोलंबस की जिंदगी कैसे होती है। अब जब वह यहाँ से ट्रेन हो जाते हैं तब उन्हें सियाचिन के बेस कैंप पर लेकर जाया जाता है, जहाँ उन्हें 21 दिन तक बकायदा रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती हैं। वहाँ उन्हें दिन के 1.5 से 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग में डेली करने पड़ते हैं और साथ ही मेस सियाचिन बैटल स्कूल में उन्हें बर्फीले तूफान का सामना कैसे करना है, तूफान में उन्हें ऊपर कैसे चढ़ना है, ये सब जान बचाने के तरीके सिखाए जाते हैं। वहाँ पर पोस्टिंग इतनी खतरनाक है कि जवानों को 3 महीने से ऊपर की पोस्टिंग वहाँ नहीं दी जाती। वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर ही -30 डिग्री होता है, जबकि 0 डिग्री पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इतनी ठंड है कि जवानों को नहाने की हिदायत ही दी जाती है और शेव न करने को कहा जाता है। अगर शेविंग के समय कोई इंजरी हो गई तो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा समय लग जाएगा। इसके अलावा उन सैनिकों पर हर समय जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि न जाने कब जमीन धंस जाए। यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पर सभी सैनिक खुद को रस्सी से बांध कर जाते हैं ताकि वह एक दूसरे की मदद कर सके। जवानों की प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। दरअसल सियाचिन में 160 किलोमीटर पर आवर की हवा किसी भी हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है और इसीलिए वहाँ पर खास हेलीकॉप्टर चीता उड़ाया जाता है, जिससे कि वह सिर्फ 20 सेकंड के लिए सियाचिन के टॉप पर बनाए गए हेलीपैड पर रहता है और सेना को महीने भर का खाना देकर चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को दिन रात यहाँ पर रहना पड़ता है? दरअसल सबसे पहले इस जगह पर पाकिस्तान की नजर पड़ी। पाकिस्तान को पता चल गया था कि वह इस जगह से इंडिया की हर हरकत पर नजर रख सकता है। अब आजादी के बाद दोनों देशों ने अमल का एक एग्रीमेंट साइन किया और इसीलिए पाकिस्तान अब डायरेक्ट सियाचिन पर नहीं जा सकता था। 1970 तक तो उसने इस पर चढ़ने का ही अभियान चलाया। 1981 में इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को इस बात का पता चल गया। इंडियन आर्मी ने कर्नल को कहा कि वह उन इलाकों पर कब्जा कर ले। अब इंडियन आर्मी कब्जा करने वाली है इस बात का पाकिस्तान को पता चल गया और इसीलिए पाकिस्तान ने ग्लेशियर पर चढ़ाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने का ऑर्डर लंदन की एक कंपनी को दे दिया। उस कंपनी का भारत के साथ अच्छा रिलेशन था, इसलिए लंदन की उस कंपनी ने बताया कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने जा रहा है, और इस तरह भारत ने फटाफट सियाचिन के टॉप पर जाकर पाकिस्तान से 1 हफ्ते पहले ही अपना झंडा लहरा दिया। और पाकिस्तान की इस जिद की वजह से 1984 से 1999 तक वहां पर काफी खून खराबा भी हुआ।